हावड़ा से आए 20 कांवरिया का जत्था 70 किलो के केदारनाथ मंदिर का भव्य प्रतिमूर्ति बना कांवर को लेकर चले बाबा धाम। केदारनाथ मंदिर का बना भव्य कंबर कांवरिया पथ पर बना आकर्षण का केंद्र। दरअसल मुंगेर कच्ची कांवरिया पथ पर उस समय अद्भुत नज़ारा देखने को मिला जब हावड़ा से आए महाकाल ग्रुप के द्वारा कांवर के रूप में केदारनाथ मंदिर का भव्य और काफी बड़ा प्रतिमूर्ति बना बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने बाबा धाम के लिए जाते दिखे। बता दें कि कच्ची कांवरिया पथ पर बाबा के भक्तों के द्वारा अनूठे प्रकार के कांवर को लेकर बाबा नगरिया जाने का सिलसिला जारी है और इस तरह के अनूठे कांवर के ले जाने में आगे है पश्चिम बंगाल से आए कांवरिया जो नित्य नए और अद्भुत ढंग के कांवर के साथ नजर आ जाते हैं। ताज़ा मामला में हावड़ा से आए 20 सदस्यीय महाकाल ग्रुप के द्वारा केदारनाथ धाम मंदिर का काफी विशाल और भव्य प्रतिमूर्ति बना कांवर के रूप में उसे ले जाते दिखे। भव्य केदारनाथ धाम मंदिर कच्ची कांवरिया पथ पर जहां जहां से गुजरता लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाया जा रहा था। ग्रुप के सदस्य अभिमन्यु बम ने बताया कि हर बार हम लोगों का ग्रुप अलग ढंग का कांवर को लेकर बाबा धाम देवघर जाते हैं। हम लोग 7 साल से अलग अलग स्वरूप का कंबर बनाकर ले जाते हैं। इस बार केदारनाथ मंदिर का स्वरूप कंबर बनाकर बाबा धाम जा रहे हैं। इस बार प्लाई फोम और सरिये से बना भव्य केदारनाथ धाम मंदिर को कांवर के ऊपर विराजमान कर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने ले जा रहे हैं। ये केदारनाथ का स्वरूप है। कितना वजन होगा इसका? इसका वजन 60-70 केजी है। इसका उद्देश्य क्या है ले जाने का? बस बाबा के धाम में हम लोग हर साल एक डोली बना के ले जाते हैं। अच्छा। पिछले 7 साल से हम लोग लगातार बाबा का विभिन्न विभिन्न स्वरूप बनाकर ले जाते हैं। तो इस बार हम लोगों ने केदारनाथ बनाया, ये हम लोग का 7वां साल है डोली का। अच्छा, कितना लोग मिल के लेके जा रहे हैं? ये हम लोग का 20 लोग का ग्रुप है। हर साल अलग अलग लेके जाते हैं? हर साल अलग अलग बाबा का स्वरूप, अलग अलग स्वरूप बना के लेके जाते हैं। क्या दिक्कत होती है जाने में? दिक्कत कुछ नहीं होती है, बाबा सब पार लगा ही देते हैं। अच्छा। बस कभी कभार हम लोग का डोली का हाइट ज़्यादा रहता है तो तार के वजह से थोड़ी दिक्कत आती है, बिजली के तारों के वजह से। अच्छा। नहीं तो वैसी तो कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? अभिमन्यु सिंह। कहाँ से आप आए हैं? हम लोग आए हैं हावड़ा से, हावड़ा घुसड़ी धाम। कितना लोग मिलके लेके जाते हैं इसको? एक बाबा का मंदिर है श्री मानेश्वर महाकाल। अच्छा। वो हम लोगों के बाबा के नाम से ही ये डोली हम लोग उठवाते हैं। अच्छा, कितने लोग लेके जाते हैं इसको? इसको 20 लोग लेके जाते हैं। कभी 20, किसी साल 20 होते हैं, किसी साल और कम होते हैं। अच्छा, इनको उठा कर कितना लोग जाते हैं? इनको 4 लोग कंधा देते हैं एक बार में, बाकी बारी बारी से सब लेके जाते हैं। बारी बारी से सब लेके। क्या नाम बताएं? अभिमन्यु सिंह।